यू आई ये केस बंद कर देती है तो आप क्या करिएगा, इसके बाद का क्या स्टेप होगा? बंद करने के लिए इनके पास कुछ है ये बंद करेंगे? इनके पास इनकी औकात नहीं बंद करेंगे, इन्हें बंद करने नहीं देंगे। इन्हें अगर हाथ खड़े करना है तो कोर्ट से ये कहना चाहिए इन्हें कि हमारे बस में नहीं है, हम नहीं ढूंढ सके नजीब को, हमसे सही काम नहीं हो पाया, आप इंडिपेंडेंट एक टीम बनाइए जो कि कोर्ट की निगरानी में काम करेगी। हम उस पर ये सीबीआई के पास कोई औकात नहीं है, केस बंद करेगी, इसे छुपा रही है, अपना मुंह काला होने से बचाने के लिए सब कर रही है। हर छोटी से बड़ी बात पर ट्वीट करने वाले मंत्री जो है और प्रधानमंत्री भी हर छोटी से बड़ी बात पे, क्या इस बात पे कभी कोई गौर नहीं हुआ? प्रधानमंत्री तो आप बात ही मत करिए, उन्हें तो सिर्फ तीन तलाक का मतलब मुस्लिम बहनों की याद आती है। ये मुस्लिम बहनें जुनैद की माँ, नजीब की माँ, अलीमुद्दीन की बीवी, दसियों औरतें मुस्लिम बहनें जो सड़कों पे इंसाफ मांगती फिर रही है, तो मोदी जी के कान चुभने चले गए? ये जुबान में लकवा मार गया जो आवाज निकलती, कभी ट्वीट नहीं करते, कभी कोई बात नहीं बोलते, मन की बात करते, किसी के मन की बात कभी सुननी है उन्होंने? क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ, ना ही कभी ऐसा होगा। वो बिल्कुल इस हक से महरूम है कि मैं उन्हें प्रधानमंत्री मानूं, उन्होंने आज तक दो साल से मैंने दसियों बार उन्हें ट्वीट किया, दसियों बार उन्हें बोला कि आप कुछ बोलिए कुछ करिए, लेकिन कुछ नहीं। क्या किसी भी बेहराजी सरकार ये कह जाने वाला क्या होता? कभी किसी नेता ने आपके साथ मतलब आपके समर्थन में आए कोई भी बीजेपी का नेता? किसी ने कोई ट्वीट किया, ना ही किसी ने आवाज उठाई है, बाकी जो आज सत्ता में नहीं है वो लोग तो बोलते ही रहते, सदन में सवाल उठाते ही रहते हैं। शरद यादव ने कई बार सवाल उठाया है और कई सारे बहुत सारे एमपी उठाए हैं, लेकिन बीजेपी का एक नेता है कभी मेरे लिए उसने आवाज नहीं उठाई, जिनकी आवाज नहीं उठी। आखिर में जो एक सवाल जो एक लाजमी है और उसका जवाब भी पता ही है जो आप देंगी, नजीब क्या लगता है नजीब के साथ क्या हुआ होगा या नजीब कहाँ होगा किस हाल में? नजीब इंशाल्लाह आएगा और जरूर आएगा, अगर ये इन्होंने सही से काम किया होता नजीब 24 घंटे में लिया होता, लेकिन शर्म की बात है आज दो साल होने जा रही है, ऊपर जरा भी एहसास नहीं है कि हमने क्या किया, कितना काम देश का खराब किया, देश का मुंह कहां से लगाया। टीम होने ने तो चूड़ियां पहले रहना चाहिए और अपने कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए, जरा भी गलत बात नहीं उस टीम के अंदर जो टीम ये काम कर रही है। मैं तो यही कहूंगा डायरेक्टर को आगे बताना चाहिए आखिर कमी क्या हुई कहां पर, जो आज तक उन लोगों को ना पूछा गया, ना उनके रिमांड ली गई, ना उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, ना उन्हें अरेस्ट किया गया, आखिर वजह क्या? सत्ताधारी है वो, इसलिए हमेशा सत्ता किसी की रही है ना रहेगी। 9 लोगों के खिलाफ जो आपने रिपोर्ट दी हुई थी जिनका नाम गया था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? कभी आज तक नहीं हुई ना नजीब, मैंने तो इनसे बार बार ही कहा आप सिर्फ नजीब को ढूंढ दीजिए, मत अगर नहीं करना अगर खिलाफ मत करिए, उन्हें बचाना बचा दीजिए, मेरे बच्चे मुझे ढूंढ के दे दीजिए, लेकिन कुछ नहीं, अगर क्या है इनके पास तो ये छुपा रहे हैं, अगर कुछ है तो सामने करें। हालांकि आपका ये भी कहना है कि अगर वो लौट के आ जाता है तो मैं सारे मुकदमे सारे केस वापस, लेकिन इन्हें तो शर्म आना चाहिए, मैं तो हर बात में राजी हूँ, मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए, इंसाफ चाहिए, ये कुछ भी देने को तैयार नहीं, आखिर चाहते क्या है? अभी मैं इनमें से किसी को एक थप्पड़ मार दूँ पुलिस वाले को मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे, ये मेरे बेटे को इतना पीटा गया, जान से मारने की धमकी दी गई, क्यों नहीं उठे वो आज तक, उनसे कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई? मौजूद है। फिर आसानी से ये भी कह दिया गया कि वो आईसीस में भर्ती हो गया और दुनिया भर की बातें की गई जो जिसका कोई आधार नहीं था, वो तो सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत है, और ये चीज तो क्राइम ब्रांच भी डिनाई कर चुकी है, सारे जिन लोगों जो केस देख रहे हैं उन्होंने भी इस चीज को डिनाई किया है, सब कुछ भी ऐसा नहीं है केस में, व्यक्ति पर भी सच्चाई है, बिल्कुल झूठ है, गलत है, केस कर रही हूँ, केस कर चुकी हूँ। मीडिया के रोल को किस तरीके से देख रहे हैं आप? मीडिया ने आपका कितना साथ दिया, जितना साथ उन लोगों ने तीन तलाक पर दिया, उन महिलाओं का दिया जिन लोगों के तीन तलाक मुद्दे पे आया? जब से नोटबंदी हुई है मीडिया खामोश है, मीडिया ने कुछ द्वारा नहीं बोला, उससे पहले मीडिया साथ थी, लेकिन जब मीडिया मोदी के हाथ पिक गई, मोदी के सपोर्ट में बोलने लगी, नजीब के केस को दबाया, मीडिया ने दबाया, मीडिया जिम्मेदार है, सत्ता जिम्मेदार है, ये तमाम पुलिस जिम्मेदार है नजीब को गायब करने में,